So next we have question number 18. The point A, B, C, D are the vertices of a square, rectangle, rhombus या trapezium. ठीक है, तो ये गिवन है. तो सबसे पहले हम इनकी साइड्स निकालेंगे. ठीक है, देखो ए बी इक्वल टू आएगा अपने पास अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, डेट इज नाइन माइनस नाइन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर. सो ये आ जाएगा सिक्स माइनस जीरो का स्क्वायर. सो इट विल कम, ये तो हो जाएगा जीरो एंड ये आ जाएगा सिक्स स्क्वायर. ठीक है, सो ए बी अपने पास आ गया सिक्स यूनिट. अब निकालते हैं बी सी. सो बी सी आएगा अपने पास अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, सो ये आ जाएगा नाइन माइनस, ये आ जाएगा अपने पास माइनस नाइन माइनस नाइन का स्क्वायर. ठीक है, प्लस सिक्स माइनस सिक्स का स्क्वायर. सो देखो ये माइनस नाइन एंड ये तो हो जाएगा माइनस एटीन. ठीक है, सो माइनस एटीन का स्क्वायर होगा थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर एंड ये हो जाएगा जीरो. ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास एटीन यूनिट. ठीक है, अब निकालते हैं सी डी. तो सी डी इक्वल टू होगा अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, सो ये आ जाएगा अपने पास माइनस नाइन प्लस नाइन का स्क्वायर एंड प्लस सिक्स माइनस जीरो का स्क्वायर. सो ये अपने पास आ जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा. सो वी गेट सिक्स स्क्वायर, डेट इज सिक्स यूनिट. अब हम निकालेंगे ए सी साइड. ठीक है, तो ए सी इक्वल टू होगा एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, डेट इज माइनस नाइन का स्क्वायर एंड प्लस जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर. सो ये अपने पास आ जाएगा 324, डेट 18 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा 18 यूनिट. सो वी कैन इजिली सी दैट ए वी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए सी. ठीक है, सो देखो इसमें अपोजिट साइड इक्वल है. ठीक है, सो अपोजिट साइड किसमें इक्वल होती है, रेक्टेंगल में. So the correct option is B.